कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज बड़ी हम बात करने वाले हैं, यदि आपने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है, यदि आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो किस प्रकार चेक कर सकते हैं। हमें स्टेटस में ये जानना होता है कि हमारा जो टिकट बुक किया था उस PNR नंबर के थ्रू, वो जो टिकट बुक किया था वो कन्फर्म हुआ है या फिर अभी पेंडिंग में चल रहा है, फिर वेट बता रहा है, वेटिंग में चल रहा है, तो आप उसका स्टेटस किस प्रकार चेक कर सकते हैं। यदि कन्फर्म हो गया है तो हमें कौन सा कोच अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा जो सीट नंबर अलॉटमेंट हुआ है, और इसके अलावा जब हम ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हमें पहले स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है वो रुकेगी, कौन सा ट्रेन में हमें सफ़र करना होगा, सारा कुछ वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको यहाँ पर पहुँचने में आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से मैंने सारा कुछ बता दिया किस प्रकार आपको PNR का स्टेटस चेक करना है और कौन से स्टेटस का क्या मतलब होता है, सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। जी, कोई स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा और इधर आपको PNR स्टेटस लाइव चेक पर बटन पर क्लिक कर देना होता है। फिर आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इधर आपको अपना जो PNR नंबर टिकट नंबर होता है वो डाल के चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो PNR का स्टेटस है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपको A से Z तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जो आप जिस ट्रेन में आप सफ़र करेंगे वो ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से होकर गुजरती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप कौन सा स्टेशन से रवाना होंगे, कौन से स्टेशन पर रुकेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, आपको सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, इसको न्यू टाइम में ओपन कर लेते हैं, आपके सामने उस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है देखने को मिल जाते हैं, आप जिस ऑप्शन के थ्रू आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें PNR का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है PNR स्टेटस का, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। कभी कभी कैप्चा भी आता है तो कैप्चा में वॉलंटरी पूछ रहा था, ये ट्रिक को सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको अपना टिकट का नंबर जो भी है वो यहाँ पर एंटर करने हैं, PNR नंबर को एंटर करके चेक स्टेटस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। फिर आपके सामने ये स्टेटस आ जाता है। तो यहाँ पर वो क्या क्या डिस्प्ले होता है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट में आपको PNR नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेन का नेम आ जाएगा, ट्रेन का जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा, और आपको कितनी तारीख को कितने बजे आपको की जर्नी है, आपको सफ़र करने जाना है यानी आपका ट्रेन है, और यहाँ पर कौन से स्टेशन से आपको रवाना होगा, और जो अगला स्टेशन होगा उसका जो भी कोड होगा उसका वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा स्टेशन का। ठीक है, और यहाँ पर आपको चार्ट यहाँ स्टेटस में अभी यहाँ पर लिखा आएगा चार्ट नोट प्रिंटिंग प्रिपेडिंग। ठीक है, और यहाँ पर जर्नी क्लास में 3A क्लास है और कोच B14 है और कोटा जनरल है। ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट्स के अंदर आपको CNF लिखा हुआ मिल रहा है, और इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी CNF लिखा आ रहा है। CNF का मतलब होता है कन्फर्म। ठीक है, आपका जो भी टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है, अब आप आसानी से बिना किसी टेंशन के सफ़र कर सकते हैं, आपका टिकट है कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अब यार को क्या देखना है, पहले तो यहाँ पर चेक कर लेना आपको कौन सा ट्रेन में, तो ट्रेन का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ट्रेन नंबर यहाँ पर आ रहा है, कौन सा कोच में जाना है तो कोच से यहाँ पर जो भी नंबर होगा कोड होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कोच में तो आप चले जाएंगे तो कौन सा सीट पर बैठना होगा तो सीट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर स्टेशन का नेम आ रहा है, और जो ट्रेन रुकोगे कौन से प्लेटफॉर्म पर रुकोगे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर भी आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन है आने वाली है, और कितने बजे आएगी वो यहाँ पर डेट भी है, उसका टाइमिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेन का रूट का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जो ये ट्रेन होती है स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट होती है और एंडिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, और यह इसका जो भी इसका टाइमिंग होता है इसमें पहुँचने का, और कितनी देर डरती है और कितना मिनट का यह है वहाँ पर ठहरते, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जितना भी टाइम वहाँ पर स्टेशन पर रुकती है उसका टाइमिंग है, और कौन से प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन वहाँ पर रुकती है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है। यदि हम इस स्टेशन का बात करें तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है संख्या इसका। ठीक है, और इसके लिए ये जो ट्रेन इस स्टेशन पर पहुँचती है तो कितने दिन में पहुँच जाती है यहाँ पर उसका डे का संख्या आ रहा है, और डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर पुणे से चल होती है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ये दूसरा सेकेंड जो स्टेशन यहाँ पर 73 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, ये किलोमीटर है, इतना डिस्टेंस है इनमें सभी में
एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच में ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये पिनियर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।